और आज सुबह से जो है ना बस बहुत ही ज्यादा मुझे सुस्ती सी हो रही है और दिल नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने को, बस दिल कर रहा था कि बस कुछ भी ना करो। और ऐसा हुआ कि आज मेरी मैट भी नहीं आई तो उतना ही काम मुझे आज करना पड़ा। फिर सारी घर की सफाई वगैरह करी। अब मैं सोच रही बैठी मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी कुकिंग कर लेते हैं और थोड़ी सी बड़ी बड़ी कुकिंग कर लेते हैं, यानी ग्रैंड कुकिंग कर लेते हैं। तो आज मैं बस बना रही हूँ 100 ड्रमस्टिक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कोई, मैंने अभी ऐसी कुकिंग नहीं करी थी कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ऐसा पकाऊँ ना कि थोड़ा सा मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और समझने की मैं एक्टिव हो जाती हूँ जब मैं ऐसी कुकिंग कर लेती हूँ ना कोई ज़्यादा वाली। तो जब मैं इतनी सुस्ती थोड़ी सी महसूस कर रही होती हूँ तो मैं ऐसा ही कुछ करके बैठ जाती हूँ कि या तो कोई दावत रख लेती हूँ या तो कोई ऐसा जो है ना इस तरह से खाना पका लेती हूँ, थोड़ा मेरी जो एनर्जी होती है बूस्ट हो जाती है। तो ये एक अच्छा टिप है, अच्छी टिप है, एक अच्छा तरीका है अपने आप को एक्टिव रखने का कि जब दिल ना करे ना कुछ करने को तो बहुत कुछ खाना पका लो तो एकदम से आप एक्टिव हो जाओगे। और मुझे अच्छा भी लगता है ज़्यादा खाना पकाना, और फिर 4 चांद जब लग जाते हैं जब उस खाने में दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं, हम बांट देते हैं या फिर हम बुला के किसी को खिला देते हैं। और मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी रेसिपी दूँगी। और ये रेसिपी जो है आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए खास तौर पे ज़्यादा फायदेमंद होने वाली, जो लोग अपने घर में कोई बड़े पैमाने पर दावत करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उनके सामने जब इस तरह से आप बना के रखेंगे ना तो आप लोगों की जो है तारीफें होंगी और अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई आता है और जब उनको अच्छा एक प्रेजेंटेशन के साथ खाना नज़र आता है ना तो फिर तारीफें तो बनती हैं। तो खैर मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करनी है, स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो की लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है साफ़ करना शुरू कर दी थी और चिकन काफ़ी ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, और बीफ और मटन के मुकाबले में वैसे भी चिकन को धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और चिकन की स्किन वगैरह होती है तो बस उसको मैं रिमूव कर रही थी अच्छी तरीके से। साफ़ सुथरी मैंने जो है ना चिकन को कर लिया था और एक एक लेग पीस को मैं अच्छी तरीके से जो है साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 100 ड्रमस्टिक्स ली हैं, और उसके लिए मैं जो चीज़ें ले रही हूँ, सबसे पहले दही लेना है मुझे, तो यहाँ पे दही डाल दिया है मैंने, और ये दही मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं पूरा 1 किलो ही डाल रही हूँ, 1 किलो से भी थोड़ा ऊपर है ये दही, सारा दही डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा छोड़ रही हूँ, कम लगेगा तो फिर इसको कर देंगे एडजस्ट। अब इस दही के अंदर जो मसाले जाएंगे वो मैं एक साइड कर देती हूँ। अदरक है पिसी हुई उसको डाल रही हूँ, अदरक का पेस्ट यानी के मेरे पास एंड हो गया है, तो मेरे पास थोड़ा सा अदरक का पाउडर भी रखा हुआ है, ये ऑप्शनल है क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाल देती हूँ। तो अदरक का पाउडर हो गया, लहसुन चला जाएगा, लहसुन का पेस्ट जो होता है यानी अदरक लहसुन डालना है। इसमें डालूंगी मैं काली मिर्चें, लाल मिर्चें, और ये सब चीज़ें मैं अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो अपने हिसाब से ही डाल रही हूँ, जितना मुझे लग रहा है कि इतने में सही रहेगा। लाल मिर्चें, नमक, और यहाँ पे है लेमन जूस। तो मैं बाज़ार का इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे अगर आप नॉर्मली घर के लिए बना रहे हैं तो घर का इस्तेमाल कर लें। दही और मसालों को मैं हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल करूँगी तो मसाले जो है मेरे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगे और दही भी अच्छे तरीके से स्मूथ नहीं होगा, क्योंकि दही को जो है मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल फेंट लेना है हाथों की मदद से। और जितनी अच्छी मैरिनेशन होती है ड्रम स्टिक्स की, टिक्कों की, वो उतने ही अच्छे बनते हैं। तो मैं कम से कम भी इनको जो स्टे दूंगी वो 1 से 1.5 घंटा तक दूंगी, और इससे ज़्यादा भी अगर दे दें तो और अच्छे बनेंगे। अब सबसे अहम काम ड्रमस्टिक्स में होता है या टिक्कों में होता है वो होता है जो लेग पीस है या जो भी चेस्ट पीस है उसको कट लगाना, क्योंकि जब तक हम कट नहीं लगाएंगे तो जो मसाला होता है वो अंदर सही तरीके से जाता नहीं है। तो अब पहले उसको कट लगा देंगे इस तरीके से। आप वैसे जब मुर्गी बनवाए ना मुर्गी वाले से कह दें कि वो कट लगा दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन मैं कहना भूल गई थी तो इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस देखिए इस तरीके से लंबाई में जो ना कट लगाने,
ताकि मसाला जब इसमें लगे तो वो अंदर तक जो है ना वो हो जाए इसके, और जायका जो इसकी बोटी जो अंदर की जो निकले ना वो फीकी फीकी ना निकले। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट लगा देंगे एक एक करके। तो बस मुझसे ही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मुर्गी वालों के ना भूल गई थी कट लगवाने को, तो बस यहाँ मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया था। तमाम ड्रम स्टिक्स को और देखिए इस तरीके से लगाएं, तो ये एक एक मैंने तकरीबन 3-3 मैंने कट लगाए एक एक ड्रम स्टिक पे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो सारे इस तरीके से लगाएं ताकि अब जब ये मैरिनेट होगा तो जो मसाला है ना वो उसके अंदर तक चला जाएगा आराम से। अब मैं ये जो मैंने बनाया है मसाला, अब मैं इसमें करके इसको रख रही हूँ। तो अगर मैं चाहती तो यहाँ पे सारा ही थाल जो एक साथ उड़ेल देती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि मुझे एक एक ड्रम स्टिक को अच्छी तरीके से मसाले में कोट करना है। कोई भी ड्रम स्टिक जो है मसाले के बिना ना रहे, तो इसलिए मैं एक एक करके कर रही हूँ। अगर चाहूँ तो मैं एक साथ पूरा थाल भी उड़ेल सकती हूँ उसमें, लेकिन उसमें जो है ना फिर मसाला नहीं एक सब में जो है ना एक तरह से सेट होगा। तो हमें इसको सेटल करना है सबको एक तरीके से। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से मैंने तमाम मसालों को मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसको तकरीबन कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे का जो है स्टे दूंगी, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटा तो इसको रखना है, तो इसको ढककर मैं रख दूँगी। तो जब तक ये जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से मैरिनेट हो रहा है, तब तक मैं फ्रेंच फ्राइज की जो है तैयारी कर लेती हूँ। तो चलते हैं आलू को काटने के लिए। तो इतने सारे ड्रम स्टिक जो हैं ये सारे मुझे बांटने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जो बॉक्सेस तैयार करूंगी उसमें मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी रखूं, तो मेरा जो बॉक्स है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले मैं यहाँ पर जो मैं फ्राइज बना रही हूँ कि आलू कारे ना हो जाए, तो पहले फ्राइज बना लेंगे हम, और जब तक फ्राइज बनेंगे तो मैं जब तक मसाला इसका तैयार कर लूँगी कोटिंग का जो होता है। तो पहले मैं आलू डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाह। बस मीडियम उस पर ही बनी पकती रहेंगी फ्राइज, तब तक मैं यहाँ पे मसाला जो है अपना तैयार करती हूँ। पहले मैदा लिया है, मैदे के अंदर मैं मिला रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है जी, कॉर्नफ्लेक्स मिला दिए। इसके बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, मैं हाफ मिला रही हूँ, अभी कम लगेंगे तो फिर मैं और मिला लूँगी। और ये सब काम मैं अंदाजे से कर रही हूँ अपने, कोई इसमें मैंने कोई जो है कोई क्वान्टिटी का हिसाब नहीं रखा हुआ, अपने हिसाब से कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मुझे मिला देना है, ये मेरे पास ओरिगेनो है, ये देख लें ओरिगेनो है, वो मिला दूंगी इसमें, ठीक है जी। साथ में ही यहाँ पे मिलेगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, किसी भी काली मिर्च ये मिल जाएगा, और नमक लूंगी मैं, नमक क्योंकि लगा हुआ है ड्रम स्टिक्स में भी, तो थोड़ा कमी हाथ रखूंगी मैं नमक पर। और इस तमाम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी, यानी कि मैदा, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लेक्स और कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर भी इसी में मिला देंगे हम। तो इससे आपके ड्रम स्टिक बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेंगे। तसले के अंदर अंडे तोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो चुके थे, तो बस मैं उनको जल्दी जल्दी निकालूंगी एक थाल के अंदर और इनको जो है बस करके और रख दूंगी एक तरफ, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए। और टाइम जो है ना बहुत जल्दी गुजर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं 2 से 2.5 घंटे में फ्री हो जाऊँगी, लेकिन टाइम मुझे ज़्यादा लग गया था क्योंकि जो है ना ये सामान काफ़ी ज़्यादा था, ड्रम स्टिक्स बहुत थी, और जो फ्राई का काम होता है ना वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है क्योंकि हमें आराम से फ्राई करना होता है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो फिर हमारी जो चीज़ है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 तरीके की जो है ड्रम स्टिक्स बनाऊँगी, एक में ज़्यादा क्रिस्पी बनाऊँगी और एक में कम वाली क्रिस्पी बनाऊँगी। तो दोनों ही मैं जो है ना यहाँ पर बस दिख रहे हैं इस तरीके से कोट कर रही हूँ। तो जिनको मैं ज़्यादा क्रिस्पी बनाऊँगी तो उनको मैं डबल कोट करूँगी, और जिनको मैं कम क्रिस्पी बनाऊँगी तो उनको बस मैं सिंगल कोट करूँगी। तो सिंगल कोट का तरीका क्या होगा कि पहले बस मैं अंडे में डिप करूँगी, और सिंपल जो है बस मैं मैदा है और ये ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लेक्स के अंदर मैंने डिप करा और बस सादा फ्राई कर लूँगी। और जिनको मैं डबल जो है क्रिस्पी बना रही हूँ तो उनको मैं अंडे में डिप करने के बाद इस कोटिंग के अंदर कोट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से अंडा लगाऊँगी और फिर कोट करूँगी। तो इस तरीके से जो है मेरी जो ड्रम स्टिक्स हैं वो डबल जो है ना क्रिस्पी हो जाएंगी। तो दोनों ही तरीके से मैं बना रही थी और दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और इनकी जो फाइनल लुक है ना वो मैं आप लोगों को एंड में ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप लोग तो यहाँ पर जो कोट हुई भी जो ड्रम स्टिक्स हैं इनको एक एक करके मैं ऑयल में डाल दूंगी,
ऑयल बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म नहीं है, मीडियम है, ज़्यादा ना ठंडा है और ना ज़्यादा बहुत गर्म है, क्योंकि अगर गर्म होगा तो वो एकदम से प्रॉपर से हमारी पक जाएंगी, ड्रमस्टिक अंदर से कच्ची रहेंगी, और अगर हम ठंडे में डालेंगे तो तब भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए नॉर्मल रखना है हमें ऑयल का टेम्परेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब मैं इतनी डालूंगी कि थोड़ा सा दूर दूर रहें, एक दूसरे चिपके भी ना और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। बिस्मिल्लाह। तो बस थोड़ा सा भी तैमूर वाला काम है, सब्र के साथ इनको फ्राई करें। तो फ्राई जितना अच्छी तरीके से हमारी ड्रमस्टिक्स होंगी उतनी अच्छी बनेगी और उतनी ही जायकेदार बनेगी, और अंदर कोई ब्लड और कोई कच्चापन भी नहीं रहेगा। तो फ्राई में बस थोड़ा सा जो है आपको वेट करना पड़ता है। तो मम्मी देखती थे और आज क्या है? नहाते वक्त मैंने खा भी ली। चलो निकाल लो। जी का लोग देते ना है। वाओ ब्रोस है। अम्मा आज ना ब्रोस ही बना देती है। जी सारा ऑयल खत्म हो गया, जब मैं ऑयल वाली चीज मांगकर जब तो बन ही नहीं पाई थी। हाँ ये बस। अच्छा अब ना दूसरा लेकर आई हो ना? दूसरा लेकर आई हो? हाँ मतलब बहुत ज्यादा ऑयल है सारा पका दो, जितिया जितको हम बारे थी वो क्या कच्चा खाएगी? अरे मेरी तो ना सुन जो तेल में है ना वो सब पक चुके हैं, ये सब नहीं पके। हम सबको ना एक साथ ही डाल दो आप सब एक साथ ही डाल, बीच बीच में डाल दो ना कोने कोने में। ये सही है? सही प्रॉमिस। तो यहाँ पे जो ड्रम स्टिक्स बन रही थी और इतनी प्यारी खुशबू यहाँ पर आना शुरू हो गई थी, तो बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो ना मेरा दिल खुश हो रहा था कि चलो जो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ी सी मेहनत हो रही है, लेकिन जो है अच्छा काम हो रहा है और अच्छी अच्छी यहाँ पर ड्रम स्टिक तैयार हो रही हैं। क्योंकि बीच में जो ना मैंने इबाद को थोड़ी सी जो है ना टेस्ट करवाई थी, तो इबाद तो काफ़ी खुशी खुशी खा लिया था इसने और इसने मेरी तारीफ़ कर दी थी। तो बस बच्चों के जो रिव्यू होते हैं वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं और मुतमईन वाले होते हैं, क्योंकि बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोल रहे होते और बच्चों को हम जो है कभी भी पटाख कर भी जो है ना झूठ नहीं बुलवा सकते। और इबाद जो है ना इबाद का ये है कि अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो ये कह देता है कि हाँ भाई ख़राब है, और अगर सही होती है तो कह देता है कि हाँ मम्मा बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो यहाँ पे बस मैं एक एक जो ड्रम स्टिक है बड़ी एहतियात के साथ निकाल रही थी, क्योंकि ये काम बड़ा एहतियात से करना पड़ता है। ऑयल बहुत गर्म था तो बस थोड़ा सा डर लगता है कि ऑयल जो है उसकी कोई छींट ना आ जाए या कोई थोड़ा सा भी इसका जो है छींटा हमारे ऊपर ना आ जाए, और इबाद भी क्योंकि मेरे साथ था तो मैं डबल एहतियात से काम कर रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना एक एक ड्रमस्टिक निकल रही थी, और जब मैं ड्रमस्टिक को देख रही थी तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलो जो काम हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ये वाली जो ड्रमस्टिक है ये सिंगल कोट वाली है, तो इनकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी इस तरीके की आ रही है, लेकिन जो डबल कोट वाली थी उनकी जो है शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी और वो बहुत ज़्यादा चेंज बनी थी। तो मैं दोनों को ही आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो दोनों ही जो हैं किस तरीके से बनी हैं। तो सिंगल कोट की जो ड्रमस्टिक्स हैं वो तो मैंने फ्राई करके एक तरफ थाल के अंदर रख दी थी। अब बारी आती है यहाँ पे डबल कोट ड्रमस्टिक्स की। तो इस तरह की आप लोग देख सकते हैं कि शक्ल इनकी आई है और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है सिंगल कोट की ड्रमस्टिक्स से, लेकिन सिर्फ दिखने में, खाने में दोनों ही एक जैसी थी, क्योंकि जायका और मसाले जो थे वो सब एक जैसे ही थे दोनों के, बस कोटिंग का फ़र्क था। तो बस दिखने में ही थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही थी, लेकिन जायके में दोनों ही जो है एक जैसी हो रही थी। बस ये क्रिस्पी थोड़ी ज़्यादा थी, वो क्रिस्पी थोड़ी कम थी, लेकिन मेरे बच्चों ने जो है वो
सिंगल कोट वाली ज़्यादा शौक से खाई थी, और ये वाली जो थी ना जो डबल क्रिस्पी थी, ये हम लोगों ने ज़्यादा थोड़ी शौक से खा ली थी। लेकिन मैंने घर के लिए तो खैर बहुत थोड़ी सी रखी थी, क्योंकि मैंने सारी बाटी थी और मैंने जो तमाम की तमाम जो ड्रम स्टिक्स थी ना वो सारी मैंने बाँट दी थी। तो बस ये वाला काम बड़ा एक अहम होता है कि जब हम बहुत सारा कुछ पका रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अहम काम होता है ना वो उसको बांटने का होता है। ये होता है कि खाना बिल्कुल भी हमारा वेस्ट ना हो, ज़ाया ना हो, और बस वो जितना हो सके ना वो लोगों के खाने में आ जाए और कोई भी चीज़ हमारी ख़राब ना हो। तो मैंने सारी ही बांट दी थी, मैंने बिल्कुल भी घर के लिए जो है दूसरे दिन के लिए या बाद के लिए नहीं रखी थी। बस उसी टाइम पे बच्चों ने मेरे खा लिया था, बस गरम गरम जो थी, और बाकी फिर हम लोगों ने रात का जो खाना था वो हमने कुछ और खा लिया था। बाकी ये जो था वो हमने सारी बांटने में ही जो है ना करी थी। तो यहाँ पे आप लोग शक्ल देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी यहाँ पे जो ना इनकी शक्ल आ रही थी, और ये एक तरह से ना ब्रोस्ट टाइप लग रहे थे। तो बच्चे मेरे इनको ब्रोस्ट ही कह रहे थे, लेकिन ब्रोस्ट का जो मसाला होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उसका जो पकाने का जो तरीक़ेकार होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। तो इंशाल्लाह कभी मैं आप लोगों को जो है उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अक्सर ब्रोस्ट भी बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। और जो बच्चों हम जैसी जो माएँ होती हैं ना, जो छोटे जिनके बच्चे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को जो है बना बना कर जो है ना एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं। तो बस मेरा भी यही है कि बच्चे मेरा आए दिन जो है वो कभी ब्रोस्ट की फरमाइश कर रहे होते हैं या कभी लेग पीस वगैरह की, तो मैं इस तरीके से घर में बना लेती हूँ। और इसी तरीके से आप अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो मसाला आप यही इस्तेमाल करें, लेकिन कम इस्तेमाल कर लें और बहुत ही अच्छा बनेगा। इस रेसिपी से बहुत ज़बरदस्त बनती हैं ड्रम स्टिक्स, और कम जो है ना कम क्वांटिटी में मैंने ड्रम स्टिक्स अपने चैनल पे सिखाई हुई हैं। अगर आप लोगों को वो वाली रेसिपी देखनी तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे मेरी 100 ड्रम स्टिक्स जो है वो बनकर रेडी हो चुकी थी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, और देख कर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि यार मैंने ये वाला जो काम है अपना जो है वो सरंजाम दे दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये सिंगल कोट की हैं और जो दूसरी तरफ थी वो डबल कोट की थी। तो दोनों ही मैंने जो है एक जो ना एक एक थाल के अंदर करके इस तरीके सजाकर आप लोगों को दिखा दी कि दोनों की शक्ल जो है वो कितनी चेंज आई है, लेकिन खाने में दोनों एक जैसी हैं। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी अब जो है बस बॉक्सेस तैयार कर रही थी, और मैं क्योंकि अकेली थी, कोई साथ में हेल्प करवाने वाला नहीं था मेरे, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अकेले ही मैं सब चीज़ें देख रही थी, और साथ में बीच बीच में बच्चे भी मेरे तंग कर रहे थे, फिर बीच मैं नमाज के लिए भी बार बार उठ उठ के जा रही थी। तो बस थोड़ा सा टाइम मुझे इसलिए ज़्यादा लगता रहा। तो बस ऐसे ही होता है, लेकिन अल्लाह पाक बस आसानियाँ कर देता है। जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो ख़ुद ब खुद ही जो है आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। और नीयत बस अपनी साफ रखें और अच्छा गुमान रखें, लोगों के लिए अच्छा जो है सोचें और लोगों के लिए आसानियाँ करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके भी रस्तों में, आपकी भी जो है हर काम के अंदर आसानियाँ करेगी। और कभी भी अगर कोई अच्छा काम करें या कभी भी कोई ऐसा काम करें, तो मतलब आपका दिल के अंदर कभी भी किसी को हकीर समझने का या कमतर समझने का नहीं होना चाहिए। और कभी भी ये नहीं है कि अगर मैं इस तरह की वीडियो बना रही हूँ तो मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, ये काम कोई दिखावे का भी नहीं है। लेकिन ये होता है क्योंकि मैं जब कुछ भी अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो आप लोग खुद मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आप जब ये काम करती हैं तो हम भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, और आप इस तरीके के काम दिखाया करें, ताकि जो है देखने वालों को क्या पता है कि इस अमल से वो भी उनका भी दिल चाहने लगे ये काम करने का, और मेरा हो सकता है कि छोटा सा एक अमल दूसरा भी करे तो उसके सवाब का हिस्सा मैं भी बन सकूं। हम इतनी दूसरी चीज़ें दिखाने को हम बुरा नहीं समझते, हम कोई भी बुरी बात करने को बुरा नहीं समझते, लेकिन जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते तो हम इसको फौरन दिखावे का नाम दे देते हैं। तो हर बात कोई दिखावा नहीं होती है, कोई भी चीज़ अगर आप पॉजिटिविटी सोचोगे तो हर काम कोई दिखावा नहीं, क्योंकि क्या पता है कि हमारे किसी एक अच्छे अमल को कोई और दूसरा फॉलो करे और इसकी नेकी का हिस्सा हम भी बन जाएं। क्योंकि दुनिया में वैसे भी इतनी अफरा तफरी है, इतनी ज़्यादा बुराई बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बेसुकूनी बढ़ चुकी है, तो बस हम सुकून अपना इन्हीं कामों के अंदर ढूंढते हैं। और अब यकीन करें कि इन कामों के बाद जितना सुकून मिलता है, जितनी राहत मिलती है ना, वो किसी और दूसरे काम में नहीं मिलती। और किसी के काम आ जाएँ, किसी से बस दुआ ले लें, सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए यही होता है। और मैं इस बात पर पूरा यकीन रखती हूँ कि जब हमें अल्लाह ताला कुछ भी दे रहा होता है ना, चाहे वो हमारे घर में रिस्क उतर रहा होता है या पैसा आ रहा होता है, तो ऐसा मुझे खुद का मेरा मानना है कि उसके अंदर हिस्सा सिर्फ हमारा ही नहीं होता, उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है, उसमें उन ज़रूरतमंदों का भी होता है जो कि हमारे आसपास होते हैं और जो बिना कहे जो है बहुत कुछ कह जाते हैं। क्योंकि हर कोई मांगता नहीं है, हर कोई आपके आगे हाथ नहीं फैलाता, लेकिन हमें उनका एहसास करना चाहिए और हमें उनके काम आना चाहिए। तो बस यही इंसानियत है और यही जो है बस हमारे काम आना है ज़िंदगी में भी और हमारे मरने के बाद भी। तो बस अपने किसी भी अमल को जो है ऐसा बनाएं जो कि हमारे दुनिया में भी हमारे काम आए
और वो हमारी नेकी जो है हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आए, और बच्चों को भी ख़ास इन बातों का जो है ना, इन बातों की जो है बच्चों को भी इल्म दें, और बच्चों के सामने ज़रूर इस बात को शेयर किया करें। मैं अपने बच्चों से ज़रूरी बातें करती हूँ कि ताकि बच्चों में ही मेरे जो है अभी से ही इन बातों का शऊर आए, और बड़े होकर फिर ये भी जो है ना एहसास करें और इन चीज़ों को जो है अहमियत दें। तो बस यहाँ पर जो है मैं सारे जो बॉक्सेस हैं वो लेकर आ गई थी, और अभी बस मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ क्योंकि बाइक पर जो है ना काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे इतने सारे बॉक्सेस जो है रखने में। तो बस यहाँ मुझे आधे रास्ते में ही जो है ना मेरे हस्बैंड ने रक्षा करवा दिया था, और मैं रक्षे में थी और मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ साथ ही बस रक्षे के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग दोनों ही आए, बच्चे मेरे घर पर मैं छोड़कर आई थी क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है जहाँ पे हम लोग आए हैं, और ये जगह काफ़ी ज़्यादा जो है ना सही लगती है हम लोगों को। कोई भी ऐसा जब हम कोई लंगर करते हैं या कुछ भी इस तरीके के बांटते हैं कोई भी ज़्यादा तादाद में चीज़, तो हम लोग यहीं पर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग जो सारे बॉक्सेस हैं वो तकसीम कर देंगे और उसके बाद बस हम लोग घर जाएँगे। और उम्मीद है मुझे कि आपको आज की वीडियो जो है मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो मुझे ज़रूर जो है लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा बोलिएगा, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइएगा। अपने अल्फाजों से हो सके जितना हो सके दूसरों के काम आएँ, दूसरों की दुआएँ लें, और सबके लिए अच्छा सोचें।